Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, how are you? Well, I am also very well. Friends, today I am going to teach you about the can be, could be and could have been. मैंने आपको पिछली क्लासेस में can, could और could have का इस्तेमाल बताया था. आप अच्छी तरह से समझ भी चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ. और आज मैं can be, could be और could have been का इस्तेमाल बताने वाला हूँ. ठीक है फ्रेंड, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, व्हाट इज द कैन बी एंड कुड बी एंड कुड हैव बीन. कैन बी मीन्स बी इज द वर्ब. बी का मतलब होता है होना, बनना. तो कैन बी का मतलब होता है हो सकता है, बन सकता है. जैसे हम बोलते हैं वो डॉक्टर बन सकता है. वो डॉक्टर बन सकता है मीन्स ही कैन बी अ डॉक्टर. वो डॉक्टर बन सका, ही कुड बी अ डॉक्टर. वो डॉक्टर बन सकता था तो ही कुड हैव बीन अ डॉक्टर. ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम इसको थोड़ा विस्तार से बोर्ड पे समझते हैं. चलिए, दिस इज कैन बी, कुड बी एंड कुड हैव बीन. जैसे हम एक एक सेंटेंसेस द्वारा आपको हम बता रहे हैं. जैसे वह गायक बन सकता है, तो जैसा कि आप सकता सकती क्या इंग्लिश आप अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन इसमें बन सकता है या हो सकता है यह आया है एक्स्ट्रा एक, तो उसके लिए हम बी लगाते हैं. तो ही कैन बी अ सिंगर. ठीक है फ्रेंड, वो गायक बन सकता था. पहले हम लिखेंगे वो गायक बन सका मीन्स कुड वाला, तो ही कुड बी अ सिंगर. वह गायक बन सकता था, तो ही कुड हैव बीन अ सिंगर. ठीक है फ्रेंड, इन सेंटेंसेस को आप अच्छी तरह से देख लो एक बार और इसी को अच्छी तरह से समझ लो आप, और हो सके तो नोटबुक में आप लिख लो. ठीक है फ्रेंड, ये बहुत इजी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है. इसमें सिर्फ बी लगाना है और बी का पास्ट यहाँ पे लगाना है. बी का पास्ट बीन होता है, इसके लिए हमने यहाँ पे बीन लगाया है. तो यहाँ पे कोई भी बड़ी बात नहीं है, इसको समझना बहुत ईजी है. ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम कुछ और सेंटेंसेस के द्वारा इसको अच्छी तरह से हम समझते हैं कि कैन बी, कुड बी और कुड हैव बीन का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं और किस तरह की सेंटेंसेस में करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए स्क्रीन पे, वह डॉक्टर बन सकता है, ही कैन बी अ डॉक्टर. वह डॉक्टर बन सकता, ही कुड बी अ डॉक्टर. वह डॉक्टर बन सकता था, ही कुड हैव बीन अ डॉक्टर. तुम्हारा भाई गायक बन सकता है, योर ब्रदर कैन बी अ सिंगर. तुम्हारा भाई गायक बन सका, योर ब्रदर कुड बी अ सिंगर. तुम्हारा भाई गायक बन सकता था, योर ब्रदर कुड हैव बीन अ सिंगर. वे लोग अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, दे कैन बी गुड प्लेयर्स. वे लोग अच्छे खिलाड़ी बन सके, दे कुड बी गुड प्लेयर्स. वे लोग अच्छे खिलाड़ी बन सकते थे, दे कुड हैव बीन गुड प्लेयर्स. वह एक इंजीनियर बन सकता है, ही कैन बी एन इंजीनियर.
वह इंजीनियर हो सका. ही कुड बी एन इंजीनियर. वह इंजीनियर बन सकता था. ही कुड हैव बीन एन इंजीनियर. राजू तुम्हारा दोस्त हो सकता है. राजू कैन बी योर फ्रेंड. वह तुम्हारा दोस्त बन सका. ही कुड बी योर फ्रेंड. वह तुम्हारा दोस्त बन सकता था. ही कुड हैव बीन योर फ्रेंड. ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैन बी, कुड बी और कुड हैव बीन का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. और फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. और जाते जाते मैं आप लोग से गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया और रोज़ का वीडियो देख रहे हैं उनको दिल से शुक्रिया, थैंक्स. और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लो. अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो, नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं. ठीक है फ्रेंड. तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद.